तो दोस्तों ये था कसांग नाला, ये कसांग सेतु भी कहते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 28 दिसंबर 2021। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे, और भी ऐसे नज़ारे आप लोगों को दिखते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पे द लोन राइडर ऑफिशियल। और हमारे साथ साथ आप लोग भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। इससे क्या होगा ना कि इस चैनल की थोड़ी रीच बढ़ेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी कमेंट में बताएं कि कैसे और अच्छा बना सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैं एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करता, जो भी रॉ फुटेज होता है मैं वैसा ही अपलोड कर देता हूँ, बस थोड़ा बहुत कट पिट करके। शूटिंग स्टोन लैंडस्लाइड एरिया, अब आगे आएगा पू, ये वो बियर वाला पू नहीं है जो टेडी बियर सा लगता है, वी नीड अ पू, ये वो वाला पू नहीं है। गजब है यार ये, मस्त एकदम एकदम जहर। हाँ ओके, नहीं मैं ज्यादा भावना में बहता नहीं हूँ भाई, दिखता नहीं है तो बिल्कुल धीमे कर लो, जैसे ये वाला मोड़ कुछ नहीं दिख रहा उस तरफ। ना ना चलो, चलो भाई इतना बढ़िया जब दिया है बना के सरकार ने, अभी तो ऑफरोडिंग बहुत है। दोस्तों ठीक हमारे ये राइट हैंड साइड में ये ऊपर एक किला बना हुआ है, अभी खाली पड़ा है ये, जो कोई रहता है नहीं रहता इसमें, एकदम अकेला बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। इस किला यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो ठीक नीचे सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के साइड में साइड हम चल रहे हैं। जगह जगह क्लिफ हैंगर रोड, सॉरी क्लिफ हैंगर देखने को मिल जाएगा। अरे दादा ये तो मुझे दिख ही नहीं, इतना अचानक से खराब रोड आ गई। देख रहे हैं दोस्तों ये पहाड़ी सीधा सर के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है।
और इन सब चीज़ों के लिए हमें बीआरओ को तो थैंक्स करना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से ये रोड मेंटेन रहती है और ये सब बनाया अभी बीआरओ नहीं है। ताकि हम सेफ ट्रेवल कर सकें और जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस भी लिखे हुए हैं बीआरओ के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के बीच से ये जो सतलज रिवर जा रही है, ये राइट साइड में हमारे, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है किरण खुद ब्रिज। अभी हम पहले शायद यहाँ से आते रहे होंगे लोग, अरे ट्रक वाले भैया जाने दो। और ये है माता का मंदिर, तो श्रीमती ढांग माता। तो यहाँ जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, देख रहे हैं दोस्तों ये ऊपर से आ रहा है पानी, लोग अपनी गाड़ियों को वॉश कर रहे हैं वो फ्री। वाह, दोनों ही तरफ हमारे बिल्कुल बंजर पहाड़, पेड़ पौधों का कोई निशान नहीं, थोड़े बहुत जो एक आदि दिख रहे हैं, बाकी दोनों ही तरफ पहाड़ एकदम बंजर। इनकी वजह से यहाँ पे ट्रेवल करना आसान होता है, अगर ये लोग यहाँ काम ना करे तब तो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो जाए ये रास्ते, क्योंकि इन टर्न्स पे अगर पत्थर कंकड़ कुछ भी पड़ा रहे तो बाइक वगैरह स्लिप होने का बहुत चांस है, क्योंकि कर्व बहुत ही स्टीप कर्व है। क्या गजब दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा है बिल्कुल। दोस्तों ये रास्ता इधर रोपा वैली के लिए, ग्लोरियस गंगुल रोपा वैली, किसी दिन जाएंगे इस तरफ भी, देखेंगे क्या है कैसा है, आज तो फिलहाल नहीं जाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा स्पीति सर्किट के लिए, और बहुत ही तेज हवा चल रही है।
दोस्तों अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे फ्यूल अप कराएंगे और यहाँ से 13 किलोमीटर पे है खाप संगम, जो कि स्पीति रिवर और सतलज का संगम है। तो दोस्तों अब हम आगे निकल रहे हैं, फ्यूल अप कर लिया गया है, पूर्व में अभी एक पेट्रोल पंप मिला वहीं फ्यूल अप किया, बस आगे का सफ़र शुरू। यह खाप 10 किलोमीटर है, मेरे इग्लू ऐसे कुछ बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री करा ली है, तो अपनी बाइक की डिटेल्स, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह देना है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बस अब देखते हैं कहाँ कहाँ एंट्री करानी होती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो कुछ पता नहीं है। बहुत ही बढ़िया रोड है, बीच बीच में कुछ जगह कुछ पैच खराब है और बाकी रोड काफ़ी बढ़िया है। ये है शिपकिला की तरफ जाने वाला रास्ता दिखा रहा था उधर, और अभी खाप संगम आई थिंक 2-3 किलोमीटर है। हम खाप संगम पहुंच गए हैं, ये आगे है खाप संगम, अभी दिखाता हूँ। ये एक तरफ से रिवर स्पीति है, एक तरफ से रिवर स्पीति, दूसरी तरफ से सतलज, तो ठीक हमारे सामने है संगम। देखो वो आ रही है स्पीति नदी, उधर वाली है, राइट वाली सतलुज है। ओके, और ये है खाप संगम का ब्रिज, खाप संगम यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। बताना चाहो अपने सुन रहे हैं व्यूअर्स, सुन रहे हैं यहीं से काशीगंज के लिए रास्ता करता हूँ, वहाँ चलके देखते हैं। चलो तो दोस्तों उस साइड से जो वो ब्लैक वाली आ रही है वह स्पीति, और ये है ये सतलुज रिवर, और ये है हमारा खाप संगम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। नो मीन्स नो, सेव सतलज।